नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी के समक्ष आज मैं उपस्थित हूं। बृहस्पति ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले बृहस्पति जहां शनि देव के साथ मकर राशि में विराजित थे, वहीं पे राशि को परिवर्तित करके वक्र गति के साथ ही स्वगृह यानी कि अपने घर में विराजमान होने जा रहे हैं, जहां केतु पहले से ही विराजित है। यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन जो है वह 29 जून 2020 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष तिथि नवमी दिन सोमवार को प्रातः 10:10 पर राशि परिवर्तित हो रहा है और धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। यह वक्र गति से ही चलते रहेंगे लगातार 11 सितंबर 2020 तक। उसके बाद 12 सितंबर 2020 शनिवार के दिन बृहस्पति देव मार्गी होंगे, लेकिन इससे घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। जब भी कोई शुभ ग्रह, शास्त्र कहता है कि जब भी कोई शुभ ग्रह राशि को परिवर्तित करता है और विशेष करके वक्र काल में, तो बहुत सारी खुशियां प्रदान करता है। जहाँ पहले आप सभी लोग काफ़ी चीज़ों को लेकर समंजस कहा जाए या फिर बहुत ज़्यादा परेशान थे, टेंशन और डिप्रेशन जैसी स्थिति बनी हुई थी, उससे निकलकर कहीं ना कहीं खुशियों की सौगात लेकर बृहस्पति देव यहाँ पर आपके लिए आ रहे हैं। आज बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन किस प्रकार का फल देने वाला है। आइए प्रारंभ करते हैं। तुला राशि वालों के लिए तृतीय भाव में विराजित होंगे बृहस्पति देव, तो वहां से थोड़ा सा किसी भी कार्य के अंदर जल्दबाजी करने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। उसके अलावा भाई बहनों के साथ मधुर संबंध स्थापित करके आप आगे बढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। किसी भी काम को करते समय पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके ही कार्य को करना है। फायदे की बात आपके लिए सबसे ये है कि जिन लड़के और लड़कियों का विवाह काफ़ी दिनों से किसी न किसी कारणवश डिले हो रहा है, उनके लिए बहुत शुभ समाचार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में पति पत्नी के बीच अगर किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन, लड़ाई झगड़े इत्यादि हो रहे थे, उससे भी बृहस्पति देव निजात दिलाने में काफ़ी हद तक आपको कामयाबी प्रदान करेंगे। पार्टनरशिप में अगर व्यापार करना चाहते हैं, पहले से काफ़ी समय से मन बना कर रखा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो बिल्कुल समय आ गया है। 29 तारीख के बाद बिल्कुल आपको आगे बढ़ना चाहिए और पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहिए, जिससे आप लाभ को काफ़ी हद तक प्राप्त कर सकें। पति पत्नी के बीच अनबन की स्थिति खत्म होगी और मधुर संबंध होने की पूर्णतः यहाँ पे संभावनाएं निकल कर आ रही। उसके साथ साथ में भाग्य की स्थिति, जहाँ भाग्य को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे आप पहले कि मेरा भाग्य तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी कहीं ना कहीं कामयाबी हमसे काफ़ी दूर नज़र आती है, तो बिल्कुल आपके लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं और आपका भाग्य होगा आपके साथ। सोर्स ऑफ इनकम, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, सोर्स ऑफ इनकम जहां पहले आपका बहुत कम था या फिर दुनिया भर के एफर्ट लगाने के बाद भी जिस तरीके का लाभ आप प्राप्त करना चाहते थे या फिर अपेक्षाएँ थी या फिर एफर्ट था और मिल नहीं पा रहा था, उस तरीके का जबरदस्त एफर्ट आपको लगाकर और यहाँ पे पूर्ण लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में विराजित रहेंगे तो सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है। केतु के साथ विराजित रहेंगे तो आपको थोड़ा सा बाड़ी पे नियंत्रण रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। उसके साथ साथ में इस बात का विशेष ख्याल रखें कि कोई भी अगर आपका पैसा कहीं फंसा है तो उस पैसे को निकालते समय बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करने से बेहतर है कि आप सावधानी पूर्वक प्रेम से उसको निकालने का प्रयास करें डूबे हुए धन को, तो वह आपके लिए काफ़ी हद तक लाभदायक रहेगा। नेत्र जनित किसी भी प्रकार की छोटी मोटी समस्या आ रही है तो उसका पूरे तरीके से आपको सही समय रहते हुए इलाज करवाने की ज़रूरत रहेगी। एक विशेष खुशी की बात है आपके लिए कि जहां आप शत्रुओं से पहले काफ़ी समय से परेशान थे या फिर कहीं कोर्ट कचहरी के मामलों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी आपको सता रही थी या फिर उसमें उलझे हुए थे, उसके सुलझने के आसार काफ़ी हद तक यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ साथ में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे और कोर्ट कचहरी में
जीत के तरफ आप अग्रसर होंगे। कोई पुराना रोग जिसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे, उस रोग से छुटकारे का भी बहुत जबरदस्त यहाँ पे योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका स्वास्थ्य काफी हद तक बेहतर होगा और जहाँ पहले किसी गुप्त चीज के खोज में लगे हुए थे और वह आपकी पूरी नहीं हो रही थी, उसकी भी बहुत बेहतर संभावना यहाँ पे निकल कर आ रही है। जो लोग इंश्योरेंस यानी कि बीमा के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस समय आने वाली है। उसके साथ साथ में यहाँ पे प्रमोशंस इंक्रीमेंट, ऐसी स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा बहुत दिनों से परेशान थे उसमें बेहतर स्थिति निकल कर आ रही है और आपका इंक्रीमेंट या फिर प्रमोशन की काफ़ी हद तक यहाँ पे संभावनाएं बन रही। उसके अलावा जो लोग नौकरी के तलाश में थे या फिर जिनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही थी उनके लिए भी अच्छे नौकरी का बहुत ही बेहतरीन योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किसी भी कार्य को करते समय या फिर जाते समय अपने पिता की सलाह आपको लेना बहुत हद तक लाभदायक सिद्ध होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन बृहस्पति का किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। सबसे पहले एक बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है कि यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। किसी भी काम को करते समय पूरी तरीके से सावधान रहते हुए आपको डिसीजन लेने की जरूरत रहेगी। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय आपके लिए बहुत हद तक नुकसान दे सकता है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े। आपके लिए बहुत हद तक आप सफलता की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। विद्यार्थियों के लिए यह समय बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। साथ साथ में जो लोग प्रेम करते हैं, प्रेमी जोड़ों के लिए जहां पहले समय काफी हद तक अगेंस्ट में था, काफी हद तक बेहतर प्रयास के बाद भी उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था आपस में संबंधों को लेकर, उसमें खटास से मिठास की ओर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लॉटरी, सट्टा या फिर शेयर मार्केट, इन चीजों में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ऐसे लोगों के लिए बड़ा सुनहरा मौका यहाँ पे निकल कर आ रहा है। गुरुदेव के आशीर्वाद से आपके कई सारे बिगड़ते हुए काम स्पेशली इस फील्ड के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्त्रियां कंसीव करना चाहती है उनके लिए भी यह देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन बहुत हद तक खुशियों का सौगात लेकर आ रहा है। आपको बता दूं कि पति पत्नी के बीच बेहतरीन संबंध स्थापित होंगे। उसके अलावा नए व्यापार की योजना बन सकती है, वह व्यापार पार्टनरशिप में अगर आप करते हैं तो बहुत हद तक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। उसके अलावा जो लड़के या लड़कियां विवाह के योग्य हैं और काफी अथक प्रयास करने के बाद भी विवाह का योग नहीं बन पा रहा है या फिर उसमें कहीं ना कहीं असफलता ही हाथ लग रही है, तो यहाँ घर पे शहनाई बजने का बड़ा जबरदस्त योग दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और जो विद्यार्थी विशेष करके उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी और राज्य में या किसी देश में जाना चाहते हैं तो यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन उनके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। तो खर्च पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस टाइम फ्रेम के अंदर आपको लंबी यात्राओं से बचना चाहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और कहीं भी आप शत्रुओं से परेशान है, कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ मामला है, वहां भी फूंक फूंक कर कदम रखने की आवश्यकता रहेगी। अब लाभ की बात कर लेते हैं। चतुर्थ भाव पे बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ने से आपको क्या लाभ होगा, आपके मित्रों का भरपूर सहयोग मिलेगा इस बीच। उसके साथ साथ में आपके माता जी का आशीर्वाद आपको भरपूर प्राप्त होगा। कुछ नई खुशियां आपके घर में आ सकती हैं, जैसे नई गाड़ी या फिर नया घर, ऐसी चीजों को अगर आप खरीदना चाहते हैं और बहुत दिनों से डिले हो रहा है तो आगे बढ़ जाइए। ईश्वर के आशीर्वाद यानी देव गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा जिससे आप सफलता की ओर आगे जाएंगे। शत्रुओं से निजात प्राप्त करने में काफी हद तक आप कामयाब रहेंगे। किसी पुराने रोग से अगर आप ग्रसित थे, जैसे डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है या फिर कोई और बीमारी, उससे काफी हद तक छुटकारा प्राप्त करने में आप कामयाब रहेंगे। उसके अलावा आपको बता दूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहने वाला है और उसके अलावा आप बीमा के क्षेत्र यानी कि इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी इस बार मिलने की यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है। गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं
या फिर किसी चीज पर रिसर्च कर रहे हैं और उसमें असफलता हाथ लग रही थी, वहां आपके लिए सफलता की कुंजी कहीं ना कहीं मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों, सोर्स ऑफ इनकम को लेकर आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। बहुत ज्यादा कमाने के चक्कर में कहीं नुकसान न हो जाए, इस बात का विशेष ख्याल रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। बड़े बुजुर्गों का सलाह लेकर ही आप कोई भी कार्य अगर बड़ा करते हैं तो उसको करने की आवश्यकता रहेगी, जल्दबाजी में कार्य ना करें। लेकिन कई सारे नए नए मौके आपको यहाँ पे मिलेंगे, कई सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी। जहाँ पहले मौके लाख एफर्ट लगाने के बाद भी हाथ से निकल जाते थे, यहाँ पे कई सारे ऑफर आपको सामने से आते हुए दिखाई देंगे। उस मौके को सिर्फ भुनाने की आवश्यकता रहेगी। इसमें भाई बहनों का एक बड़ा रोल हो सकता है, उनके सलाह को लेते हुए आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी, उनसे मधुर संबंध भी स्थापित होगा। उसके अलावा विद्यार्थियों के लिए बड़ा अनुकूल समय रहने वाला है, उसके साथ साथ प्रेमी जोड़ों के लिए भी बड़ा शुभ समय रहेगा। जो लोग संतान से जुड़ा हुआ प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर जो लोग संतान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, कई सारे लोग बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, उनको परेशानी से कहीं ना कहीं यहाँ पे निजात मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, ऐसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत हद तक अनुकूल रहने वाला है। साथ साथ में पार्टनरशिप के अंदर व्यापार करना चाहते हैं या फिर पहले से कर रहे हैं और किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग चली आ रही है काफी समय से, तो एक छोटा सा प्रयास इस टाइम फ्रेम के अंदर आपके संबंध को बेहतर बनाने में काफी हद तक कामयाब रहेंगे आप। उसके साथ साथ में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर काफी समय से डिस्प्यूट चल रहा था अगर, और मामला कोर्ट कचहरी तक जाने की संभावना दिखाई दे रही थी, उस समस्या से कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के मध्यस्थता के जरिए आप बच सकते हैं और उस संबंध को पुनः प्रेम के द्वारा स्थापित किया जा सकता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि और भी कई सारी नई नई चीजें आपके जीवन में आने वाली है, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, बहुत खुशियां मिलेंगी इस समय। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए यह समय किस प्रकार का फल देने वाला रहेगा। तो मीन राशि वालों के लिए नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। बहुत ज्यादा आंख बंद करके किसी भी अपने कलीग्स के ऊपर भरोसा ना करें, अन्यथा वह व्यक्ति आपको कहीं फंसा सकता है या फिर बिना किसी कारण कई सारे आरोप और प्रत्यारोप के आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़े, बहुत हद तक आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन वही फायदे की बात यह है कि आप अपने बाड़ी से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने में यानी कि अट्रैक्ट करने में काफी हद तक कामयाब रहने वाले हैं। वही अगर पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई विवाद है या फिर कहीं पे पैसा फंसा है तो वहां से पैसे निकलने का योग काफी बेहतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेत्र यानी कि आंख से जुड़ा हुआ कोई समस्या अगर आपका काफी समय से चला आ रहा है, उस समस्या से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, इस समय छोटा सा प्रयास रंग लाएगा। उसके अलावा भवन या वाहन या नई गाड़ी या फिर नया घर, ऐसा कोई प्लानिंग आपने किया था और वह डिले हो रहा था, तो इस समय नई गाड़ी या फिर नए घर का पूर्णतः योग आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता जी के स्वास्थ्य का यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी, मित्रों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। साथ ही साथ में अगर कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई मामला है या फिर किसी पुराने रोग से आप ग्रसित हैं, उन रोगों से छुटकारा आपको यहाँ पे मिलेगा और कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले में आप विजय प्राप्त करेंगे और शत्रुओं को पराजित करने में आप काफी हद तक कामयाब रहेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। इस लाभ को और बेहतर बनाने के लिए बृहस्पति के बीज मंत्र यानी कि ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए और उसके साथ साथ में प्रतिदिन संभव हो तो अष्टगंध चंदन का तिलक लगाए, बहुत हद तक आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ, किसी भी समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं और उस समस्या का समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप हमसे संपर्क करके
और उस समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।